जयवर्धन सिंह के निशाने पर एक बार फिर आए ज्योतिराय सिंधिया, और ऐसे निशाने पर आए चूंकि दोनों ही राज परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, बात तोपों तक पहुंच गई, बात तोप की आ गई। ज्योतिराय सिंधिया को लेकर तोप का नाम क्यों लेने लगे जयवर्धन सिंह, मैं आपको बताऊंगा। और ये आपको बता दूं कि दरअसल जयवर्धन सिंह ने कह दिया कि ज्योतिराय सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं है, अगर बड़ी तोप होते तो उनकी जगह नरेंद्र तोमर को समन्वयक नहीं बनाया जाता। पहले जयवर्धन सिंह क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। जी भाजपा के विषय है, अब हमें मत पूछिए। नहीं, अब आपने भाजपा के तो पूछिए, लेकिन नेता तो है। अभी जयवर्धन जी, मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि देखिए हमारे लिए सुलझी विषय नहीं है। ग्वालियर संभाग में भाजपा के अनेक दिग्गज नेता है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे पवैया जी हों, विनी शर्मा जी भी, वैसे अगर आप देखें तो उनका पैतृक गांव नया जिले में आता है। और अगर भाजपा के लिए सिंधिया जी की बड़ी तोप होते तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को क्यों प्रभार दिया गया है कैंपेन कमेटी। लेकिन मेन बात ये है कि सिंधिया जी की क्या भूमिका है, हमारे हाथों में थोड़ी है, भाजपा के हाथों में है, वो लोग तय कर रहे हैं, उनसे पूछिए। जयवर्धन सिंह के निशाने पर आ गए ज्योतिराय सिंधिया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सुनवाया भी आपको, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि अदावत पुरानी है, सियासत की कहानी है, और इस सियासत की कहानी में दो परिवारों के बीच की जो स्थिति रही है वो हमेशा सामने आ जाती है। दरअसल जयवर्धन सिंह से ज्योतिराय सिंधिया को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि ज्योतिराय सिंधिया का भविष्य क्या होगा ये तो बीजेपी तय करेगी। लेकिन जहां तक सवाल ज्योतिराय सिंधिया को लेकर है, तो उन्होंने कहा ज्योतिराय सिंधिया को जिम्मेदारी ना मिलने को लेकर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि ज्योतिराय सिंधिया अगर कोई बड़ी तोप होते तो उनको समन्वयक बनाया जाता, ग्वालियर चंबल संभाग में उनसे बड़े नेता हैं। यानी ज्योतिराय सिंधिया का कद जो है बीजेपी में क्या है, जयवर्धन सिंह ने साफ कर दिया। और यह भी कह दिया, जयवर्धन सिंह बड़े नपे तुले शब्दों में कई बार निशाना साधते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, उस मुस्कुराहट के साथ बहुत कुछ कह जाते हैं जयवर्धन सिंह। इस बार भी उनके निशाने पर जब आए सिंधिया तो उन्होंने सीधे कह दिया कि बीजेपी में उनसे बड़े बहुत नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम से लेकर उन्होंने तमाम नाम गिना दिए। दरअसल जैसे मैंने आपसे कहा, चुनावी साल है, पहले इतनी खुलकर बयानबाजी नहीं होती थी ना ज्योतिराय सिंधिया देते थे, लेकिन जयवर्धन सिंह भी पहले संयमित होकर कभी एक दूसरे पर हमलावर नहीं रहे, चुनावी वर्ष है। लेकिन ज्योतिराय सिंधिया को लेकर अब, चूंकि राघोगढ़, आपको बता दूं जिस सीट से जयवर्धन सिंह चुनाव लड़ते हैं वहां का प्रभारी बनाया गया है ज्योतिराय सिंधिया को, तो ज्योतिराय सिंधिया को घेरने में जयवर्धन सिंह भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, यही वजह उन्होंने निशाना साधा। शिवपुरी से आप तक खबर पहुंचाई प्रमोद भार्गव ने, आप देखते रहे एमपी तक।